नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये एक न्यू बोर्ड आया है मार्केट में और इसका नंबर देख सकते हो TR6703C वर्जन 9 है। इसका 9 का रेजोल्यूशन कोड दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा और जिन लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि जब भी मैं रिपेयरिंग वगैरह का वीडियो अपलोड करूँ चैनल पे तो नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को और वीडियो को वॉच कर पाए। तो दोस्तों ये बोर्ड देख सकते हो, ये V3, V7, V8 यहाँ तक रेजोल्यूशन कोड सेम रहता है, लेकिन जब 9 आ जाता है वर्जन 9 तो इसका रेजोल्यूशन कोड चेंज हो जाता है। दोस्तों यही बताऊँगा, अभी मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। इसमें लाइट आ गई है, इसको मैं ऑन करता हूँ और टीवी में देख सकते हो ये LG का पैनल है। इसमें दोस्तों मदरबोर्ड ख़राब हो गया था तो पावर सप्लाई एक्स्ट्रा लगाना पड़ा बैकलाइट के लिए और इसमें 12 वोल्ट देने के लिए। तो ऑन हो गया है, बैकलाइट भी चालू है, लाइट ग्लो हो रहा है। तो अभी हम लोग इसका रेजोल्यूशन कोड बताएंगे। तो रेजोल्यूशन कोड कौन सा है, 15050 से स्टार्ट हो जाता है और जितना रेजोल्यूशन चाहिए आप लोगों का जो पैनल है उस हिसाब से आगे एक एक बढ़ाते जाना है। तो मैं अभी रेजोल्यूशन चेंज करता हूँ, मेरा 1 इनपुट 15051, ये अभी बंद हुआ है और फिर चालू होगा और देख सकते हो फोटो बराबर बन गया है। ये 13660 का पैनल है और अभी ये सीमा हैदर का जो न्यू है चल रहा है न्यूज़ में, और अभी 19-20 के लिए हम लोग 50 प्रेस करेंगे। तो एक बार चेंज करके फिर से मैं दिखा देता हूँ, सॉरी पहले इनपुट प्रेस करना पड़े, इनपुट 15050, ये 19,080 या कुछ रेजोल्यूशन से होगा इसमें। तो फिर से चालू हुआ है, मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ, मैं एग्जिट 15051 ये आया है। इसमें आगे प्रेस करते जाना है और इसका सर्विस मोड है वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी इसका सर्विस मोड में खुलेगा इनपुट 208, इसमें सर्विस मोड खुल गया है देख सकते हो दोस्तों। अभी इसमें मिरर का ऑप्शन है, LG उस साइड लिखा है, इस साइड फोटो बन रहा है तो उसको सही कर लेंगे मिरर वगैरह को अपने हिसाब से। मेन चीज़ है रेजोल्यूशन कोड, जो न्यू बोर्ड है अभी ये वाला, इसलिए ये 31182 जो वाला कोड वो काम नहीं करेगा इसमें, फिर 20081 जो भी है आगे वो भी काम नहीं करेगा। अभी ये सिंपल जो ये कोड न्यू बोर्ड में आया है वही दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मिरर का ऑप्शन को भी सही कर लेते हैं, ये जस्ट पैनल सेटिंग में जाना है, तो मेनू प्रेस करेंगे एक बार, मेनू पैनल सेटिंग, अभी हम लोग एक क्लिक का ऑप्शन है इस साइड भी, देख लेंगे उस हिसाब से कहाँ सेट होता है। थोड़ा जनरल सेटिंग में जाते हैं, पावर मोटर को ऑन कर देते हैं ताकि बिजली आने से तुरंत ही बोर्ड चालू हो जाए। तो एग्जिट करके देखते हैं, ऑन करके चालू करते हैं,
चालू हो गए दोस्तों, तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।